पूरे देश में कोरोना अपनी रफ्तार लगातार बढ़ा रहा है। इस दूसरे वेव का कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक है। यूपी में लगातार इसके चेन को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इसका ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। इस महामारी पर कंट्रोल करने के लिए धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के खिलाफ मन रखने वाले योगी जी ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया, फिर शुक्रवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। अब पूरे राज्य में लगभग पूर्ण लॉकडाउन जैसा ही सख्ती कर दिया गया है। यूपी राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो कुछ इस प्रकार है। सुबह 11 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगी। कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। ई मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे और ऑनलाइन सेवाएं भी चालू रहेंगी। शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णतः बंद रहेंगे। खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा, चक्की, पशु चारा विक्रेता सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खोल सकेंगे। सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बेचे जा सकेंगे। मंडियां एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 11 बजे से 11 बजे तक ही रहेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान विक्रेता की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे। निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होंगी, ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे। सभी निजी और सरकारी बैंक, बीमा कार्यालय सहित अन्य कार्यालय सवेरे 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही संचालित रहेंगे। विवाह शादी के आयोजन में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी। 3 घंटे के कार्यक्रम की ही अनुमति दी जाएगी। ऐसे कार्यक्रम में राजकीय कर्मचारी भेजकर गाइडलाइन का अनुपालन की पुष्टि कराई जाएगी। विवाह शादी आदि के लिए ऑर्डर पर कपड़े आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित है, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और LPG सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत रहेगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।